बच्चे को टाइम देना, लेकिन कौन सा डॉक्टर बहुत ज़रूरी है। आई थिंक यू नो बच्चों के लिए हम सब जितना एफर्ट डाल सकते हैं वो डालें, हम सब कुछ देते हैं उनको, खाना पीना जो भी चाहते हैं वो जो चाहते हैं, बट टाइम नहीं देता। आई थिंक टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एक रिलेशनशिप बॉन्डिंग ज़रूरी है, फ्रेंडशिप ज़रूरी है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वो दिखाया गया है। मेरा विक्रम का किरदार है जो लोगों को बहुत पसंद आया है, इनफैक्ट ओवरऑल जिन जो भी आर्टिस्ट हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा मेनली एम्फेसिस है बच्चों पे ये मूवी, और यू नो लोगों के जहन में ये है कि ये डरावनी होगी तो बच्चे कैसे देखेंगे, ये साउंड लाउड दिख सक सुन सुनाई दे सकता है, बट मैसेज बहुत प्यारा है और डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई बिलीव ये वो बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज हम सारे नए फेसेस हैं इसमें, ठीक है। सो जब नए फेसेस होते हैं तो एक रिस्क होता है प्रोड्यूसर वगैरह के लिए, और हमारे लिए एक चैलेंज होता है कि हम कैसे यू नो एक यू नो बेंचमार्क को सेट करें। सो बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी विद द सिलेक्शन ऑफ द किड्स एंड एवरीबडी हैज वर्क ग्रेट, बट एक रिस्क था, और जो इनको 8-9 अवार्ड्स मिले हैं वो एक यू नो एक अपलिफ्ट किया है एक प्रोडक्ट को। और अब आई थिंक पीपल वंस दे सी दिस आई एम श्योर वर्ड ऑफ माउथ से ये पब्लिसिटी ज़रूर है होनी चाहिए, बिकॉज ये एक मैसेज के साथ मूवी दिखाई गई है, तो आई बिलीव दिस इज़ वॉट माई मैसेज इज़ फॉर ऑल। आई एम वर्किंग फॉर अनदर बॉलीवुड मूवी, टेंटेटिव नेम इज़ थेत्र, द अर्लियर नेम वॉज द सक्सेसफुल लूजर्स। ये अभिषेक शर्मा की मूवी है, मोस्ट लाइकली वायरकॉम विल बी द बैनर, जो पोस्ट प्रोडक्शन में अभी सब कुछ हो गया है और अगले 3 महीने के अंदर में शायद उसकी रिलीज़ होगी। और जो करेंटली मेरा चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए बताना चाहूँगा, एक वेब सीरीज़ है मेमरीज, जिसमें रोहित रॉय पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं, मैं उनके साथ अब रिवील कर सकता हूँ बिकॉज आज से वो शुरू हो जाएगा, मैं नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ उसमें, और वो 13 एपिसोड की सीरीज़ है, VIU इंडिया पे आ रही है। तो विक्रम भट्ट की वेब सीरीज़ मेमरीज ज़रूर देखें, वो भी बहुत अच्छी। फिल्म बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया, सब एक्टर्स ने भी अच्छा काम किया, और हमें ये भी सीख मिलती है कि अगर हम गलती करते तो भी उसे मानना चाहिए और माफ़ी भी मांगनी चाहिए। ये मूवी बहुत अच्छी थी, सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, ये मूवी काफ़ी अच्छी थी, थोड़ा हॉरर भी था, मज़ा आया, लेकिन एक बात तो है कि भाई हमें मॉम डैड से बात कर लेनी चाहिए कि भाई हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कोई और चाहिए, या फिर आपको बहन आ रही है तो अच्छा नहीं लग रहा है, तो मॉम डैड की भी बात हमको समझनी चाहिए कि भाई हमारे लिए वो जो भी कर रहे हैं वो करना चाहते हैं। थैंक यू। आई जस्ट सॉ दिस फिल्म अदृश्य एंड इट वाज बेस्ड ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, सो इट वाज अमेजिंग फिल्म, आई रियली लव्ड इट। इट वाज ऑल रिलेटेबल, आई मीन वी सी दिस इन होम, वी समटाइम्स सी व्हेन द पेरेंट्स आर वर्किंग, वी समटाइम्स डोंट गेट enough time from them, so it's so relatable that I think everybody should go and watch. I mean, I'm gonna go out and tell all my friends to come and watch. I think I'm gonna repeat this show because I really love this movie. सुंदर काम किया है, बच्चों का भी ने अच्छा है, बड़ों का भी अच्छा है, it's a wonderful emotional come mythological film. Direction part की बात करें तो direction part आपको कैसा लगा? Yeah, Sandeep has done a good job. संदीप हस्त ने आम समस्या में मेंटल इलनेस वगैरह या लोनलीनेस वगैरह जो है कि पेरेंट्स टाइम नहीं पाते, वो भी एक इशू दिखाया गया इस फिल्म के माध्यम से। हाँ, वो बात आज के ज़माने में तो वास्तविकता है ही है, और उसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और ये सोसाइटी भुगत भी रही है। आई मूवी वॉज रियली गुड, काफ़ी अच्छी मूवी है, और बहुत ही अच्छा सेंटिमेंट है मूवी में, ये दिखाया है कि किस तरीके से व्हेन एज पेरेंट्स आप बिज़ी हो जाते हैं तो बच्चे जो है वो कितना अकेला फील करते हैं, और उनके साइकोलॉजी को अगर हम समझना चाहें, सो इट्स अ फिल्म अबाउट दैट, इट टॉक्स अबाउट चिल्ड्रेन, इट टॉक्स अबाउट हाउ पेरेंट्स इन मेट्रो सिटीज़ गेट सो बिजी विद देयर वर्क एंड दे शुड डिवोट मोर टाइम टू देयर किड्स एंड अंडरस्टैंड देम। आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच फॉर ऑल द पेरेंट्स हु आर लिविंग हियर इन अ you know metropolitan city and with nuclear families. Thank you. Hi, it's
The film has come out really well. It talks about a very good message that you should give attention to your kids and make sure that in this busy life you take out time and give them importance, because you never know what goes inside the mind of a child, and the child might take it very seriously, and you know it hurts a child to be ignored. So please support your children, and we really loved it, and the message is really, really good. So spread the word, and cheers. You have been very emotional while you were acting in the film, so what was that big challenge for you? Yes, of course it was a big challenge, because working with kids it's very difficult, but I had good actors, Abdur and Paki, they're really, really good actors, and I had a blast on sets. They were very quick, they just knew, they surprised me every time when they were on sets. They not only played their parts really well, but also, you know, had put in all the efforts. They had prepared it so well that it was very easy to work with them. Yes. Yes. Well, we are grateful that film has won so many awards already in a lot of film festivals. So yes, we're really excited. We were really excited, and we had been waiting for the film to release so that everyone is available. Everyone should see it, obviously. Other than this, another thriller, X11, is on the edit right now. And yes, hopefully, you'll see me again very soon. अच्छों पे ध्यान देना चाहिए, कोई क्लियर कट समझ में आ रहा था, सस्पेंस के साथ, थ्रिल भी था, एंड बच्चों के साथ देखने वाली पिक्चर है, मतलब फैमिली आके बच्चों के साथ आके देख सकती है. ओवरऑल सब ने एक्टिंग्स भी अच्छी की, स्टोरी भी अच्छा था, डायरेक्शन बहुत अच्छा था. मतलब एक स्टोरी को एक तरीके से लेके गया विद सस्पेंस, और उसको खोला गया बाद में, ओपन अप किया गया, बहुत अच्छे से किया गया, डायरेक्शन बहुत सुपर. संदीप सर ने मुझे फाइनल किया है, सो हमारे लिए ये फर्स्ट टाइम हुई थी, लाइक हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रोल था कि फर्स्ट टाइम मूवी है, डायलॉग्स या अप एंड डाउन भी मैनेज करने होते हैं. एंड यू नो जो आपने काम किया है, मूवी स्केट्स ही मतलब थोड़ा डराती है, तो कभी ऐसा मौका मिला कि आपको डर लगा सेट पे या you know? नहीं, मुझे सेट पे कभी डर नहीं लगा. फिर भी मैं डरावने सीन से डरता था. मैंने उससे पहले डरावने सीन नहीं किए थे, आगे वाले बात नहीं किए या कोई, सो उससे मुझे डर लगता था. चाइल्ड साइकोलॉजी पर है, जो हम लोग जो जॉइंट फैमिली से अलग हो जा रहे हैं और बच्चों को हम लोग प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनसिक्योरिटी फीलिंग्स जो बच्चे में होती है, तो इस चीज़ को डायरेक्टर ने बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है, बहुत ही अच्छी तरह से. तो हर टीचर्स को, डॉक्टर्स को और हाउसवाइफ्स को तो देखना ही चाहिए, और वर्किंग वुमेंस हैं या फादर जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एकदम बिजी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं अपने काम में, नज़रअंदाज करते हैं बच्चों को, उन्हें तो ज़रूर और ज़रूर देखनी चाहिए. तो कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान, बताइए अनुभव कैसा? बहुत ही अच्छा. और डायरेक्टर के बारे में मैं क्या कहूँ, इतने एक एक बारीक चीज़ों पर उन्होंने काम किया है. मैं अपनी खुद बात करूँ, जो पहले दिन जब मैं शॉट के लिए गया तो मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन उन्होंने मुझे ग्रूम किया कि नहीं ऐसे करो, ये चीज़ होना चाहिए, टिपिकल बंगाली स्टाइल होनी चाहिए, वो लुक बंगाली वाली होनी चाहिए. तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन माई वर्ड्स. मैं श्योर कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में ये हमारे कंट्री के वन ऑफ द बेहतरीन डायरेक्टरों में शुमार होंगे, हैं अभी और हो जाएंगे इंशाल्लाह.
I think personally I really like the film. और जैसे आपने मेंशन किया संदीप हैज डन अ ग्रेट जॉब आई थिंक ही इज इट्स हिज फर्स्ट मूवी एंड ही हैज आई थिंक व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज दैट ही हैज कैप्चर्ड द इमोशन रियली वेल सो आई थिंक दैट ही हैज अचीव्ड दैट वेरी वेल इन द मूवी सो तो जो रोल प्ले किया इमोशनल रोल है थोड़ा सा यू नो काफी डिफिकल्ट होता है आसान नहीं तो कैसा चैलेंज था आपको मतलब शूट के दौरान किस तरह से उस रोल को प्ले करने में और कैसे गाइड और मेंटर के संदीप जी ने या और भी कास्ट ने किस तरह से कोऑपरेशन मिला आपको संदीप बहुत ही संदीप का विजन बहुत क्लियर रहता है व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स सो उन्होंने पहले ही कम्युनिकेट कर रखा था हमें कि एक सीन में वो क्या इमोशन चाह रहे हैं he would also tell you if it's a little over, a little less. He would like just guide you through the scene emotionally. He wouldn't like give you a stick and walk on the stick, walk with the stick, but he would just give you a direction. I think and let you perform. So I think that really helped. And what about your future projects? Are you working on some projects? Are you looking for script as such? I'm not working on any project right now. I'm writing these days. Yeah. मैं सबसे पहले आप लोगों से सवाल करना चाहता हूँ आप लोगों ने फिल्म देखी देखी मेरे ख्याल से कई दिनों के बाद कई सालों के बाद इस तरह की कोई फैमिली फिल्म अभी लगी होगी वी ऑल नो दैट थर्ड वाज अ वेरी डिफिकल्ट डेट टू चूज क्योंकि कई फिल्में भी आ रही थी लेकिन हमें अपने कंटेंट पे पूरा भरोसा था हम जानते थे कि हमारी फिल्म जो है अच्छी हो सकता है बहुत बड़ा प्रोडक्शन में नहीं बना है बट डेफिनेटली कंटेंट इतना प्यारा है कि बच्चों से लेके माता पिता से लेके बड़े बूढ़े जो भी आएंगे उनको ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगा मैं आप सभी दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो आज आपने देखी है फिल्म माउथ पब्लिसिटी से ही हमारी फिल्म आगे बढ़ सकती है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अगर आप लोगों को फिल्म अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप आगे अपने चार दोस्तों को बताएँगे वो और चार दोस्तों को बताएँगे ताकि सो दैट कि वो लोग हमारे पास थिएटर में आएँ और ये फिल्म देखें सिर्फ वन टू आज मतलब फिल्म तो काफ़ी अच्छी है लेकिन वॉज इज़ इंस्पायर्ड बाय सम राम गोपाल वर्मा फिल्म का कि उनका भी काफ़ी ऐसा एक्सपेरिमेंट करता है इस तरह की फिल्म बनाने का ऐसा नहीं ये तो एकदम पारिवारिक फिल्म है बेसिकली ये हॉरर का एक हमने थीम यूज़ किया है क्योंकि बच्चे लोगों को हमेशा एक फैंटेसी पसंद होते हैं बच्चे लोगों को किसी भी कहानी का अगर सीधा सीधा बोलेगा तो उनको इतना इंटरेस्ट नहीं लगता है जिस तरह का हम लोग बचपन से आप लोगों भी देखा है हिंदुस्तान कल्चर में किस तरह होता है कि बच्चों को अगर खाना भी कहते भाई पुलिस आएगा या भूत आएगा मतलब एक चीज़ होता है इस तरह वो एक स्टोरी को हमने इस तरह मॉडिफाई करके ले गया और उसके साथ साथ हमने बहुत अच्छा एक मैसेज भी दे रहा है मतलब एक आज के डेट में जो न्यूक्लियर फैमिली है या सपोज एक पेरेंट्स है आज के डेट में डेफिनेटली हर कोई दोनों को काम करना ही पड़ता है बिना काम किए तो डेफिनेटली घर नहीं चला सकते मेट्रो खास करके जो मेट्रो उस स्थिति में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं बच्चों के साथ उनका मनोस्थिति किस तरह बदल सकता है या ये उसका जो क्या रिजल्ट आता है तो अगर आदमी थोड़ा नहीं संभल पाया ध्यान नहीं दिया कुछ बुरा भी हो सकता है तो हमने वो सारे चीज़ को दिखाया है ताकि मतलब एटलीस्ट आदमी को एक 2% 5% भी अगर अवेयरनेस आ जाए बस वो एक अमल का इंटेंशन था कि फैमिली को भी बचाया करता है उसके फीलिंग्स दे सकते हैं गेटिंग अ बूस्ट ऑल द फिल्म फेस्टिवल मेजर फिल्म फेस्टिवल शोकेस क्या 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 कहना चाहेंगे वो कितना बड़ा बूस्ट था और कितना ज़्यादा प्रोत्साहन दिया वो या ऑफकोर्स डेफिनेटली हम लोगों ने तो अराउंड 8-9 अवार्ड्स में भेजे और कहीं से भी वापस नहीं आया हर जगह से हम लोगों को इवन लॉस एंजल्स में भी सेम फॉलिस्ट रहा है ये उसके बाद में 5 कॉन्टिनेंट जो फिल्म फेस्टिवल है वेनेजुएला वहाँ पे भी हम लोग बेस्ट स्क्रीन पे और बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए भी हम लोगों को अवार्ड मिला हमने जहाँ भी भेजी है अपनी फिल्म वहाँ पे हमारी फिल्म लकीली हमारी ये लकीस्ट की हमारी फिल्म सेलेक्ट हो गई है और वहाँ भी सबको पसंद आया है और हम जिस भी फेस्टिवल में गए हैं वहाँ से कुछ ना कुछ जीत कर आए तो ये इससे एक क्या होता है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है कि ठीक है हमने एक अच्छी फिल्म बनाई है लेकिन क्या होता है कि ऑडियंस सब कुछ है ऑडियंस से बड़ा कोई नहीं हम बहुत बड़ी फिल्म बनाते हैं करोड़ों की फिल्म बनाते हैं लेकिन अगर ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा तो वो फिल्म किसी काम का नहीं होगा हमने बहुत दिल से प्यार से ये फिल्म बनाई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने प्यार से मैंने फिल्म बनाई है लोगों को उतना ही प्यारा रहेगा हमारे पास हाँ हम एक फिल्म पे काम कर रहे हैं दैट इज़ अ थ्रिलर प्योर थ्रिलर है और उम्मीद करता हूँ जल्दी सिनेमा घर में आएगा प्री प्रोडक्शन वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून और वी हैव प्लान कि नेक्स्ट ईयर इट विल हिट द थिएटर होप फॉर द बेस्ट
बस यही रिक्वेस्ट है कि मतलब इस फिल्म को आप लोग भी अपने तरफ से सराहें, और डेफिनेटली आपने देखा है जैसा उन्होंने बोला है कि आपने देखा तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लगा। डेफिनेटली अगर आप अच्छा होगा तो इसको 10 जगह फैला दीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे, अगर जितना मैक्सिमम लोग देखेंगे उतना हमें भी अच्छा लगेगा इस चीज़। थैंक यू।